आलिया का असली नाम उनकी जन्म कुंडली के अनुसार शाहीन होना चाहिए था, लेकिन उनके माता पिता ने उनका नाम आलिया रखा। आलिया भट्ट का पासपोर्ट ब्रिटिश है, क्योंकि उनकी माँ सोनी राजदान ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए आलिया भी ब्रिटिश नागरिक हैं। आलिया भट्ट ने एक बार कहा था कि वह भविष्य में फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने कई फिल्मों में निर्देशन के दौरान दिलचस्पी दिखाई है। आलिया ने कुछ समय पहले अपने खुद के कपड़ों की लाइन भी लॉन्च की थी। यह लाइन यंगस्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुई। आलिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल से की है। उन्होंने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वह अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। आलिया ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म संघर्ष 1999 में प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभाया था। हालांकि उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 से की। आलिया को पेंटिंग का बहुत शौक है। खाली समय में वह पेंटिंग करना पसंद करती हैं और वह कोयले से स्केचिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं। आलिया खुद को बहुत आलसी मानती हैं। वह कहती हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह सोने या आराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आलिया को 2014 में काफ़ी विद करण शो में दिए गए एक गलत जवाब के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया और खुद पर एक मजाकिया वीडियो भी बनाया। आलिया भट्ट का बॉलीवुड में वरुण धवन और अयान मुखर्जी के साथ गहरा दोस्ताना है। उन्होंने कई बार कहा है कि इन दोनों के साथ उनका खास रिश्ता है। आलिया भट्ट अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सचेत रहती है। उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए 16 किलो वजन कम किया था। आलिया नियमित रूप से योग, पिलाटेस और जिम करती हैं। आलिया को खाने का बहुत शौक है। उन्हें चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो अपने डाइट प्लान के साथ संतुलन बनाए रखती हैं। आलिया एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उन्होंने फिल्म हाईवे में सुहा साहा गाना गाया था और अम्टी शर्मा की दुल्हनिया में समझावा का अनपलड वर्शन भी गाया था। इसके अलावा उन्होंने उड़ता पंजाब में एक कुड़ी का वर्जन भी गाया है। आलिया का फिल्मी बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। उनके पिता महेश भट्ट एक प्रसिद्ध डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं और उनकी माँ सोनी राजदान एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। उनके चाचा मुकेश भट्ट भी फिल्म निर्माता हैं। आलिया भट्ट एक इंट्रोवर्ट हैं और बॉलीवुड की पार्टीज़ में ज़्यादा दिखाई देती हैं। उन्हें शांति और सुकून के साथ घर पर रहना ज़्यादा पसंद है। आलिया को यात्रा करना बहुत पसंद है। उन्होंने कई देशों की यात्रा की है और वह जब भी समय मिलता है नए स्थानों की खोज के लिए निकल पड़ती हैं। उन्हें खास तौर पर यूरोप में यात्रा करना पसंद है। आलिया मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करती हैं। वह नियमित रूप से ध्यान करती हैं, जिससे उन्हें तनाव से निपटने और अपने व्यस्त शेड्यूल में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आलिया भट्ट ने अप्रैल 2022 में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर से शादी की। उनकी शादी को लेकर फैंस में काफ़ी उत्साह था और इसे बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक माना गया था। तो दोस्तों, ये थे आलिया भट्ट के कुछ अननोन फैक्ट्स। किस किस को आलिया भट्ट पसंद है? आलिया भट्ट के प्रेमी, लवर्स, फैंस, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।